दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक सिंपल डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर सर्किट बनाने वाला हूं। इस सर्किट की सहायता से आप 1.5 वोल्ट डीसी को लगभग 30 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर पाएंगे और 3.7 वोल्ट डीसी को लगभग 40 वोल्ट डीसी में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इस सर्किट को बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है, आइए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस तरह के एक इंडक्टर ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। ये मुझे पुराने कंप्यूटर के SMPS पावर सप्लाई से मिला है। तो ये जो वाइंडिंग पहले से इसमें की हुई थी, मैंने इसको दोबारा से खोल दिया है और 45045 के टर्न पर मैंने इसे लपेट लिया है। इसको मैं सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर टाइप का मैंने इसे बना दिया है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक NPN ट्रांजिस्टर, जिसका मॉडल नंबर है 13007। आप कोई सा भी एक NPN ट्रांजिस्टर आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक 100 माइक्रोफेरेट 25 वोल्ट कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको एक IN4007 डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको एक 100 ओम क्वार्टर वायर रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं इस सर्किट को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक ये CPU वाली फ़ैन है 12 वोल्ट की, और एक 4 वोल्ट की मेरे पास इस तरह की एक LED लाइट है। ये मैं 1.5 वोल्ट की जो बैटरी है, इससे पहले मैं आपको डायरेक्टली रन करके दिखा देता हूँ ये रन करता है या नहीं, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए ये बूस्ट कन्वर्टर काम भी करता है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बैटरी से जोड़ने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये चल नहीं पा रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैं इस ट्रांजिस्टर के पिनआउट के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला आप लेक देख पा रहे हैं, ये इस ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट है, ये बीच वाला कलेक्टर पॉइंट है, और ये जो राइट साइड की ओर है ये एमिटर पॉइंट है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पे हम लोग ये 100 ओम्स का रजिस्टर है उसको सबसे पहले कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद फ्रेंड्स, जो इंडक्टर का 45 जो टर्न वाला सिरा है वो हम लोग इस रजिस्टर के साथ में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, जो फिर एक 45 वाला सिरा है वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो डायोड का आप काला वाला पार्ट देख रहे हैं, नेगेटिव पार्ट, वो ट्रांजिस्टर के हम लोग कलेक्टर पॉइंट के साथ में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से कनेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग एक जम्पर वायर लेंगे और ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ में इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग 100 माइक्रोफेरेट 25 वोल्ट कैपेसिटर लेंगे, और कैपेसिटर का ये जो नेगेटिव पॉइंट देख रहे हैं ये हम लोग ट्रांजिस्टर के इस एमिटर वाले जो जम्पर वायर है इसके साथ में कनेक्ट करेंगे, और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट देख रहे हैं ये डायोड का जो व्हाइट वाले पार्ट है यहाँ कनेक्ट कर देंगे हम लोग। फ्रेंड्स, हम लोगों का ये सर्किट बनकर रेडी है, और हमें जो आउटपुट मिलेगा ये जो कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला पॉइंट देख रहे हैं यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, और ये जो नेगेटिव वाला पॉइंट देख रहे हैं यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे दो वायर कनेक्ट कर देता हूँ इस सर्किट के साथ में। दोस्तों ये सर्किट बनकर रेडी हो चुका है, अब इसे हमें टेस्टिंग करने की बारी है। अब देख सकते हैं मैंने कनेक्शन कैसे किया हुआ है। और इस सर्किट में जो हमें सप्लाई देनी होगी, इनपुट सप्लाई, ये जो सेंटर टैपिंग वाला ये जीरो वाला पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे हमें पॉजिटिव सप्लाई देनी होगी, और जो नेगेटिव सप्लाई देनी है वो हमें ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ में देनी है, या आप यहाँ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव सप्लाई को। तो चलिए सर्किट को टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इस इंडक्टर के ये जो मिडिल वाले जीरो वाले पॉइंट है इसके साथ में कनेक्ट कर देता हूँ, और जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है ये ट्रांजिस्टर के एमिटर के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। अब बारी है हम लोगों को कूलिंग फैन को कनेक्ट करने की। तो कूलिंग फैन को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। हम लोग जो पॉजिटिव आउटपुट है कैपेसिटर के साथ में यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फैन घूम रहा है, यानी ये सर्किट वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं काफी तेज गति से घूम रहा है ये फैन। इसकी गति मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये कैमरा जो है ये अच्छा से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है इसकी गति को। उसके बाद फ्रेंड्स, इस 1.5 वोल्ट वाली बैटरी से मैं इस 4 वोल्ट वाले बल्ब को भी सर्किट की सहायता से मैं जला के इसे दिखाऊंगा।
तो पहले मैं डायरेक्टली इस बैटरी से कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला जो ब्लू कलर का वायर है ये नेगेटिव है और येलो कलर का जो पॉजिटिव है। तो मैं कनेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ पहले डायरेक्टली, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए। आप देख सकते हैं ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है एलईडी, और उसके बाद अब मैं इस सर्किट की सहायता से इसे जलाने की कोशिश करूँगा। तो इस सर्किट को मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो नेगेटिव वाला वायर नेगेटिव के साथ में और पॉजिटिव वाला वायर पॉजिटिव के साथ में मैं कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सर्किट वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो कर रही है। अब फ्रेंड्स, इस सर्किट के आउटपुट वोल्टेज को हम लोग चेक करेंगे। तो मैं मीटर को डीसी 200 वोल्ट के रेंज पर रख देता हूं और फिर मैं इस सर्किट में सप्लाई को ऑन करता हूं और देखते हैं कितना वोल्टेज ये मीटर शो करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं प्रॉप को कनेक्ट कर देता हूं ताकि आउटपुट वोल्टेज पता चल सके कितना है। तो आप देख सकते हैं लगभग 26-27 वोल्ट के आसपास में ये करीबन आउटपुट निकाल रहा है ये सर्किट। अब इसी को मैं 3.7 वोल्ट की बैटरी के साथ मैं चेक करूंगा कि आखिर ये कितना आउटपुट निकाल रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लगभग 39 वोल्ट के आसपास में आउटपुट हमें दे रहा है इस 3.7 वोल्ट वाली बैटरी के साथ में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सर्किट बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं इस यूपीएस वाले फैन को भी मैं घुमा के दिखा देता हूँ इस बैटरी से। आप देख सकते हैं इसकी आवाज को भी सुन सकते हैं, काफी तेज ये चल रहा है। ये सर्किट बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।